So guys, this is Camille and you're watching a production YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया बेटा ऐप के अंदर आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो. तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधे चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ. ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर. तो सबसे पहले आपको बेटा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है. इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. तो सबसे पहले हम बेटा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं. जैसे आप बेटा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ जैसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है. सिंपली आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहां से अपना वीडियो सिलेक्ट करेंगे जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो. तो मैं अपना वीडियो यहां सिलेक्ट कर लेता हूं. मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर एक एरर का आइकन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आ जाएगा बेटा वीडियो एडिटिंग ऐप के अंदर. सो यहाँ पर आप देख सकते हो. सो यहाँ पर हमारा जो वीडियो लोड हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना वीडियो दिखाई दे रहा है. तो यहाँ से अपना जो वीडियो इसको प्ले कर सकते हो. उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्टाइल. अगर आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर काफ़ी सारा टेम्पलेट मिलता है. बेसिकली इनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी किसी भी टाइप के डांस वीडियो पर. मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आ जाना डांस पर और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा जो डिस्को इफेक्ट मिलता है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो. और आप अपनी फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा इन इफेक्ट को जो है डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करके यूज़ करने के लिए. तो जैसे ही आप देख सकते हो हमारा जो इफेक्ट है यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है जिनको आप जो इस तरीके से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो. उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं बैक, तो बैक आ जाते हैं हम, ठीक है. सो क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर में आपको क्रॉस आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप आ जाएंगे बैक. उसके बाद एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपना जो वीडियो उसको स्प्लिट कर सकते हो कुछ इस तरीके से. स्प्लिट करके अगर आपको अपनी वीडियो को ट्रिम करना है, ट्रिम स्प्लिट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो. यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है. स्पीड के ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो का जो अपनी वीडियो को फास्ट मोशन कर सकते हो, स्लो मोशन कर सकते हो इस लाइन की मदद से. इस लाइन को अगर आप राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे आपका वीडियो फास्ट मोशन हो जाएगा. अगर आप इसे लेफ्ट साइड की तरफ लेके आ जाते हो तो आपका जो वीडियो वो स्लो मोशन हो जाएगा. तो इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं बैक. उसके बाद आपको मिलता है रिवर्स, इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो वीडियो उसको रिवर्स कर सकते हो. और यहाँ पर आपको मिलता है एनिमेशन का ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे. उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है फ्रेम एनिमेशन, इसके अलावा मिलता है फ्रेम आउट एनिमेशन, डायनामिक मिलता है. तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमेशन मिलते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर. और यहाँ पर आपको सही की इफेक्ट भी मिल जाता है, मैं आपको दिखाया था. फ्रेम इन के ऊपर क्लिक करते हैं हम. और यहाँ पर अगर आप राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है. सो सबसे पहले आप इफेक्ट को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है और इस लाइन को पूरा फुल कर लेंगे आप कुछ इस तरीके से. सो इसको मैंने फुल कर लिया और ये आप देख सकते हो हमारी वीडियो पर इफेक्ट आ चुका है. मैं आपको स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ. तो कुछ इस तरीके से आपके वीडियो पर इफेक्ट आ जाएगा. और इस तरीके आपको यहाँ पर इफेक्ट नीचे काफ़ी सारा दिखाई दे रहा है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर. सो इसको हम डन कर लेते हैं. और उसके बाद मिलता है फ्रेम आउट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर भी एनिमेशन मिलता है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो. और यहाँ से हम आ जाते हैं बैक. उसके बाद आपको मिलता है एडजस्ट, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो का एडजस्टमेंट कर सकते हो. और यहाँ पर आपको मिलता है कॉपी मास्क, इसके अलावा स्केल, रिप्लेस एंड रोटेट. और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है रेशियो, इसके ऊपर क्लिक करके आप एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो. इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी वीडियो पर इफेक्ट ऐड कर सकते हो. सो आपको यहाँ पर काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो पर. और यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और आपको मिलता है इफेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारा इफेक्ट मिलता है. सो जिन इफेक्ट को आप यूज़ कर सकते हो मैं आपको दिखाया, तो यहाँ पर आपको कितना सारा इफेक्ट मिलता है. जैसे कि आपको यहाँ पर मिलता है पार्टिकल्स, उसके बाद मिलता है फ्रेम. सो फ्रेम से आप कुछ इस तरीके से फ्रेम अप्लाई कर सकते हो. और यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारा इस तरीके के इफेक्ट मिल जाता है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप जो अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो. सो यहाँ पर हमारा इफेक्ट डाउनलोड हो रहा है, ये आप देख सकते हो. तो सबसे पहले आपका जो इफेक्ट हो डाउनलोड होगा, उसके बाद वो आपकी वीडियो पर अप्लाई. तो कुछ इस तरीके से आप इन इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो. और यहाँ से हम आ जाते हैं बैक. और बैक आने के बाद अभी आपको मिलता है म्यूज़िक, इसके ऊपर क्लिक करके आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हो. वॉइस ओवर कर सकते हो, कोई वीडियो से म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करके इस वीडियो पर ऐड कर सकते हो. और यहाँ से आप साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हो. और रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके रिकॉर्ड भी कर सकते हो. मैं आपको एक म्यूज़िक ऐड करके दिखाता हूँ. म्यूज़िक के ऊपर आपको क्लिक करना है. यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ म्यूज़िक दिया गया जिनको आप यूज़ कर सकते हो, या आप डिवाइस के ऊपर क्लिक करके अपनी डिवाइस से कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हो. सो म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यूज़ के ऊपर क्लिक करना है. उसके बाद आपका म्यूज़िक यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुका है. उसके बाद आप म्यूज़िक का वॉल्यूम आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो. और यहाँ पर आप मार्कर के ऊपर क्लिक करके म्यूज़िक पर बीट ऐड कर सकते हो. यहाँ से प्ले करेंगे और जहाँ पर भी बीट ऐड करना है वहाँ पर आप कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हो. उसके बाद यहाँ से आपको आ जाना है बैक. बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करके कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हो.
मोर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से अपने वीडियो पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो और आपको यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे अच्छे फिल्टर मिल जाता है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सो ये आप देख सकते हो बहुत सारा फिल्टर आपको मिल जाता है, इन्हें आप जो अप्लाई करके देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्टिकर, आप यहाँ से कोई स्टिकर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्टिकर मिल जाता है और आप इन्हें यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो पर। स्टिकर के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टिकर डाउनलोड होकर आपकी वीडियो पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो बहुत सारा स्टिकर मिल जाएगा जिस टाइप का आपको चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा PIP यानी कि पिक्चर इन पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी इस वीडियो के ऊपर कोई दूसरा वीडियो या कोई इमेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो भी ऐड करना चाहते हो इस वीडियो के ऊपर आप ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे इस वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो ऐड हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आप इस वीडियो के अंदर कोई एनिमेशन डाल सकते हो यहाँ से, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलता है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो बीच में आपको व्हाइट बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी वीडियो पर ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ट्रांजिशन इफेक्ट मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगता है। सो यहाँ पर हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है इसलिए यहाँ पर आने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो कुछ इस तरीके से आप ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो। और साथ में हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत लैग दिखाई। तो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक, तो कुछ इस तरीके से आप बीटा एप्लीकेशन के अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप अपना जो वीडियो उसको डायरेक्टली अपनी गैलरी पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।